हम मैं गांव में कपड़े की दुकान चलाता था भैया, तो एक लड़का चाय लेके आता था। तब मेरे को कहता था कि भैया तू तो कलाकार हो नू। हम कहने हाँ। तो निरहुआ के चिन्हल? हम कह रहे निरहुआ के चिन्हल और पवन सिंह के चिन्हल। और लिटरली मैं बंगाल से आया तो उस समय भैया तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गाँव से कभी कभी आना होता था। तो वाह, तो मेरे जीजा जी बड़े शौकीन भोजपुरी सिनेमा के। मैं सबसे पहले जीजा जी के पास गया, फिर निरहुआ के यहाँ बताओ। तुरंत उन्होंने कैसेट निकाला, सीडी निरहुआ रिक्शा वाला, और उन्होंने लगा दिया। अब भैया मैं पूरी फिल्म देखा। मैं बोला भाई ये है निरहुआ। और मैं उसमें दिने अपने मनोज जी और सुशील भैया का, मैं तीन लोगों का फैन। मैंने कहा यार ये तो अच्छी फिल्म है। फिर मैं बॉम्बे आया तो राज जी से मेरी मुलाकात हुई। एक मेरा एक दोस्त है अमित, उनको फिल्म बनानी थी, तो राज जी का नंबर मुझे इंद्रजीत पाजी ने दिया और मैं राज जी से मिला। राज जी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दीवाना, तो करोगे उसमें काम? मैंने कहा भैया हीरो कौन है? बोले निरहुआ। मैंने कहा भैया एक सीन चाहिए दिनेश जी के साथ, एक सीन चाहिए मेरे को। लकली पर वो सीन भैया के साथ नहीं हुआ, विराज जी के साथ सीन था पहला। और आज तक डायलॉग याद है, आ जावे देख कुणाल सिंह के ऐसन कुछ अब क्यों कर देख के कचूमर निकाल दे, बड़का SP बना था ना साला, ये लाइन था। और जब मैंने डायलॉग बोलता राज जी बोले इधर आओ, तुम तो यार एक्टर हो, तुम्हारा क्लोज लगा रहा हूँ मैं, रुको। मैंने कहा भैया जो लगाइए, लेकिन भैया उसमें मैं फाइट नहीं कर पाया क्योंकि फाइट था तो वो टाइम नहीं था। तो मैंने ज़िंदगी में पहली चीज़ का पहले फाइट सीखूँगा, तो मैंने वहाँ से फाइट सीखी। और हर एक चीज़ कड़ी बनती गई, मैं उससे कुछ ना कुछ सीखता गया। फिर आपसे मौका मिला, कब मिलेगा? मिलेगा मोकामा 0 किलोमीटर में, निरहुआ चरल ससुराल 2 में, जिगर में हम लोगों ने काम किया। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई भोजपुरी सिनेमा में, और आज जो भी है जैसा भी है सीखता सीखता यहाँ तक पहुँचा हूँ।